इसे कहते हैं भाई कॉम्बिनेशन। तो जब भी आप एलईडी इंस्टॉल कर रहे हैं तो भाई ये चीज ध्यान रखें कि आपको इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके का रखना है। ये देखिए, एक आपको बल्ब दिखेगा और एक एलईडी दिखेगी। ये देखिए एलईडी और ये है आपका बल्ब, दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं हम एक ही हेडलाइट में, तो मजा आने वाला है आज के कंपैरिजन वीडियो में। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस आज का हमारा प्रोडक्ट है 180 वॉट का एक पेयर एलईडी जो कि आप किसी भी कार के हेडलाइट में डाल सकते हैं। आज हम इसका रिव्यू करेंगे ओईएम लाइट के साथ, क्योंकि आज हमारे पास है H4 मॉडल। तो भाई इसको हम लगा सकते हैं लाइक जो कार का बल्ब होता है उस पे जो मॉडल नंबर लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली ये प्लग एंड प्ले वायरिंग में होता है तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी होता है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करके कंपेयर करने वाले हैं ओईएम लाइट से। और अगर बात करें किसी कंपनी के प्रोडक्ट से तो भाई इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जेन्युइन होती है, तो हम किसी भी कंपनी की एलईडी से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप 100 कमेंट तक करेंगे कि इसको किस कंपनी के प्रोडक्ट से मैं कंपेयर करूं तो मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना भी दूंगा। तो अभी स्टेप बाय स्टेप इसका रिव्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे अनबॉक्सिंग, उसके बाद करेंगे इंस्टॉलेशन, फिर करेंगे टेस्टिंग, और उसके बाद जो फाइनल रिव्यू रहेगा मेरी तरफ से वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। सो गाइज सबसे पहले आप देखेंगे पैकेजिंग काफी अच्छी है। मींस यहाँ पे कंपनी ने पूरा इसको पॉली रैप किया है, और बॉक्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो हमें कहीं ना कहीं इसके स्पेसिफिकेशन से ही जज करनी होगी। तो ये है एडिसन का CSP 6000 कैलिबर में है। इसके अंदर CSP चिप्स लगी हुई हैं, उसका भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये जो चिप होती है इनका आखिर में क्या इफेक्ट होता है और ये जो प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट डालती है वो क्या रहता है। बाकी अगर हाई पावर की बात करूं तो भाई ये ब्राइटर एंड सेफर है। अब वो कैसे है वो जब ये इंस्टॉल होगी तब आई थिंक इसका परफॉर्मेंस हमें बताएगा। बाकी आप देखेंगे 8 मंथ की ये वारंटी दे रहे हैं, तो 8 मंथ वारंटी आई थिंक मुझे अब तक किसी एलईडी में नहीं दिखी। 1 ईयर वारंटी तो मुझे दिखी है, इसमें आपको 1.5 साल की वारंटी मिल जाती है। एलईडी हेडलाइट, 1 बटन, स्टार्ट, सेफर, हाई पावर और ब्राइटर, 18,000 ल्यूमेंस पेयर का इसमें मेंशन किया है इन्होंने। यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने मेंशन किया है एलईडी चिप्स 3570 CSP चिप्स इसके अंदर लगी हुई है। कूलिंग सिस्टम इसके अंदर है डबल कॉपर पाइप, प्लस हाइड्रोलिक फैन इसके अंदर लगा हुआ है। सो नो डाउट काफी अमेजिंग प्रोडक्ट होने वाला है। और यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि ब्राइटनेस दिया गया है प्लस, मतलब 500 टाइम प्लस इसका जो लाइट रहता है वो है। ओईएम टाइप से आई थिंक ये होगा। और रेंज आप देखेंगे तो भाई साहब 350% इसका रेंज भी इन्होंने इंक्रीज किया है। क्लियरिटी की बात करें तो क्लियरिटी भी इन्होंने प्लस 80% तक दिया है। विजिबिलिटी काफी आई थिंक अच्छी होगी। और यहाँ पे ऑटो एलईडी हेडलाइट सिस्टम इन्होंने मेंशन किया है। तो अभी इस पूरे प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आप एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ये लोग काफी अच्छे से मेंशन करते हैं, की फीचर्स भी आप रीड कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी तो भाई इंस्टॉल होने के बाद ही पता चलेगी। बाकी पैकिंग नो डाउट काफी अच्छी है, काफी अट्रैक्ट करेगी कस्टमर को। तो अभी इस रैप को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल साइज है वो क्या है। वैसे तो ये H4 H19 यहाँ पे मेंशन किया है। अभी हमको लगाना है इसको कोइड में। मैंने पहले भी एक एलईडी इंस्टॉल की थी तो थोड़ा सा अपग्रेड किया मैंने। 120 वॉट के बाद मुझे लगा क्यों ना इसको 180 वॉट में अपग्रेड किया जाए, क्योंकि कोइड की लाइट तो उतनी बेहतर नहीं होती और ओईएम टाइप लाइट तो मुझे ज्यादातर कोई भी अच्छी नहीं लगती, कुछ खास इंपैक्ट दिखता नहीं है। बाकी आप देखेंगे बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें एक कार्ड दिखता है जिसपे इनपुट पावर दिया गया है और जो इसका ल्यूमिनस फ्लक्स है, आईपी रेट है, कलर टेम्परेचर है, टेम्परेचर लाइफ है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, वो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो ये एक हो गया आपका इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरा ये है आपका वारंटी कार्ड, आई थिंक ये है आपका वारंटी कार्ड जो कि डीलर के थ्रू आपको मिल जाएगा, इससे आप वारंटी क्लेम कर पाएंगे। तो ये भी काफी अच्छा है। पैकिंग की बात करें तो भैया पैकिंग देख सकते हैं, नो डाउट काफी अच्छी पैकिंग है। एडिशन की ब्रांडिंग भी इन्होंने काफी बढ़िया की है। और ये ड्यूअल पाइप कॉपर का जो इन्होंने मेंशन किया था वो भी आई थिंक इसके अंदर दिख रहा है, और कूलिंग फैन भी दिया गया है। तो भाई क्वालिटी नो डाउट काफी बेहतरीन होगी और ये हीट भी नहीं करेगी। कैनवस इसके साथ इन्वोल्ट है तो भाई आपको कुछ ऐसा नहीं है कुछ वायरिंग कट करनी पड़े। तो ये देखिए जस्ट प्लग एंड प्ले वायरिंग होती है, तो इसको इंस्टॉलेशन में मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी कोविड में कौन सा मॉडल लगेगा वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि H4 H7 मतलब जो भी लाइट के मॉडल आते हैं वो बल्ब के अकॉर्डिंग आते हैं। तो अभी हम कोविड का मॉडल देखते हैं और इस एलईडी को लगाते हैं। और ये काफी हैवी भी है, इसका जो मेटल है वो काफी ज्यादा हैवी है। आई थिंक इसीलिए कंपनी इसको वारंटी में कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंस दिखा रही है। भाई 1.5 साल की वारंटी दे रही है तो ये प्रोडक्ट हैवी है तो उससे हीट भी नहीं होगा। दूसरा ये है कि ये मेटल बॉडी है, तो मेटल बॉडी में क्या होता है कि अगर मुझे लगता है कि ये बॉडी हल्की होगी, हल्के मेटल में बनी होगी तो ये जल्दी खराब
खराब हो सकती है, बट ये काफी हैवी मेटल है तो आई होप कि ये काफी ज्यादा चलेगी। बाकी जो मेरी गाड़ी में इंस्टॉल थी एलईडी वो भी ठीक ठाक चल गई, अभी तक कुछ खराब नहीं हुआ है। मैं अपग्रेड कर रहा हूँ क्योंकि 120 वॉट से मैं चाहता था कि यार 180 वॉट में स्विच करूं, तो आज उसका लाइव डेमो आपके सामने है और ये एडिशन का जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर हम इंस्टॉल करते हैं अपनी कोयडार एक्सेल 2020 के अंदर। तो भाई सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, इसके अंदर H7 लगेगी, हमारे पास H4 है। तो अभी मैंने जब इसका ये जो हेडलाइट का ढक्कन है ये देखिए बैक साइड में, ये देखिए जब मैंने इसको रिमूव किया तो उस पर लिखा था H7, तो जो बल्ब होता है उसके साइज के अकॉर्डिंग ही इसमें एलईडी लगती है। तो भाई OEM टाइप प्रॉपर फिटमेंट हो जाएगा अगर आप अकॉर्डिंग टू कार जो बल्ब का साइज है वो प्रॉपर लगाते हैं। तो इस H4 को हटाते हैं और हम H7 लेके आते हैं एडिशन का 180 वॉट में और इसमें इंस्टॉल करके फिर आपको फाइनल रिव्यू दिखाते हैं। गाइस अभी मैं खुद इसको इंस्टॉल करने वाला हूं, H7 हमारे पास आ चुकी है, तो अभी सबसे पहले कैसे इसको रिमूव किया जाता है वो मैं दिखाता हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये कैप है जो कि हेडलाइट के ऊपर लगा होता है, तो इसको आपको आसानी से रोटेट करके खोलना होता है। सबका सिस्टम मेरे हिसाब से सेम ही होता है, इसको रोटेट करोगे तो ये निकल जाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे OEM लाइट लगी हुई है, तो ये जो है हम चेंज करेंगे वो करेंगे आपकी हाई वाली, मींस लो वाली नहीं करेंगे। सो एक बल्ब आप देखेंगे ये है, मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये वायरिंग बीच में दिख रही है, अभी शायद दिख गया होगा। तो ये OEM टाइप है और अभी हम इसके साथ यहाँ पे जो हाई डिपर होता है उसमें हम लगाने वाले हैं अपर डिपर के अंदर अपना 180 वॉट का एडिशन का एलईडी। तो अभी आप देखेंगे ये जो है ये मेरे को रिमूव करना है और ये वाला जो है ये बंद करना है क्योंकि OEM के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। इस वायरिंग को हमें अंदर करना होता है क्योंकि फिर कैप इसके अंदर अगर लगाना है, ये वाला ये जो कैप होता है ये कैप हमें इसके अंदर लगाना है क्योंकि डस्ट वगैरह आपके हेडलाइट में ना जाए। तो इसको इस तरीके से सेम रोटेट करना है एंड सेम तरीके से आपको दूसरी जो हेडलाइट है उसमें भी एलईडी लगानी है। तो अभी ये देखिए प्रॉपर आपका ये देखिए यहाँ पे लग गया, अब इसको रोटेट करके लॉक भी करना होता है। तो अभी मैं लॉक करता हूँ इसको, तो अभी आप देखेंगे प्रॉपर ये इंस्टॉल हो चुके हैं और ये जो इसके कैप थे वो मैंने फिट कर दिए हैं। आगे से आप देखेंगे तो भाई एक आपको बल्ब दिखेगा और एक एलईडी दिखेगी, ये देखिए एलईडी और ये है आपका बल्ब, तो दोनों इंस्टॉल हुए हैं। अब कंपेयर करेंगे और देखेंगे भाई क्या कुछ रिस्पॉन्स है। बाकी ये जो एलईडी का आपको एंगल दिख रहा है ये अभी गलत है, तो इसको हमें बिल्कुल स्ट्रेट करना है, तो ये भी मैं सही करके फिर इसकी टेस्टिंग करूंगा। सो जब भी आप एलईडी इंस्टॉल कर रहे हैं तो भाई ये चीज ध्यान रखें कि आपको इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके का रखना है। ये देखिए इसके बाद आप देखेंगे ये बल्ब है, ये आपका कंपनी फिटेड है, दोनों में मैंने किया है। ये देखिए यहाँ पे भी एलईडी है, उसका जो एंगल है वो आप देख सकते हैं प्रॉपर फिट किया है, कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तिरछा है क्योंकि इसको सीधा रखेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा अंदर के हप्पे और आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ये देखिए अभी ये है, अभी अपर डिपर कर रहे हैं तो दोनों का रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त है। तो अभी रात का इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आउटपुट ये हमें देने वाली है। अभी आप देखेंगे मैं एक गली में हूं, काफी डार्कनेस है यहाँ पे और ये DRL की लाइट है जो कि कोयडार एक्सेल में आती है और ये है आपकी एलईडी और ये है आपकी OEM लाइट। तो एलईडी का इम्पैक्ट आप देखिए, फिर आपका जो OEM लाइट है उसका हेलोजन बल्ब बोलते हैं जिसको, तो दोनों का इम्पैक्ट आप देखिए। तो भाई अभी आप देखेंगे लाइट का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में कैसा है, मार्केट की रोड पे हैं हम अभी और ये है आपका ओरिजिनल, ये रहा ओरिजिनल और ये है आपका आफ्टर मार्केट 180 वॉट जो कि हमने इंस्टॉल किया है, तो डिफरेंस आप खुद जज करिए। देखिए अभी मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूं और आगे एक येलो कलर का जो मकान दिख रहा है, घर दिख रहा है, उस पर हम लाइट को फोकस कर रहे हैं, तो ये है दोनों का कंपेरिजन यहाँ पे। तो ब्राइटनेस आप खुद एक बार जज करिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ब्राइटनेस किसकी ज्यादा लग रही है, ये देखिए हेलोजन या फिर एलईडी। एलईडी का रिस्पांस काफी बेहतरीन दिख रहा है इसमें, ये देखिए। तो भाई अभी हाईवे पे आप एलईडी का रिस्पांस देख सकते हैं, काफी ज्यादा ब्राइट है और यहीं पे अगर आप OEM देखेंगे तो भाई आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि जो ब्राइट रिस्पांस है वो एलईडी का है या फिर OEM हेलोजन बल्ब का है। नो डाउट मुझे तो एलईडी का लग रहा है, अब आपको क्या लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई गाड़ी की अभी सिर्फ DRL जल रही है और ये देखिए एलईडी का रिस्पांस बहुत ज्यादा ब्राइट है, आप देखिए ये देखिए और ये है आपका हेलोजन, हेलोजन का रिस्पांस ये है आपका और एलईडी आप देखिए कितना शानदार रिस्पांस है रोड पे, आप देखिए ये देखिए बहुत बेहतरीन, नो डाउट। अब देखिए ये मिक्सअप देखिए आप, ये देखिए आप जज कर सकते हैं कि भाई एलईडी का रिस्पांस अच्छा है या फिर हैलोजन का, ये देखिए